मशहूर कवि और लेखक कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। कुमार विश्वास पर यह आरोप है कि उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। केस दर्ज होने के बाद कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी और कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, 153 ए, 505, 505 बटा 2, 116 के साथ धारा 143, 147, 323 यानी हमला, 341, 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत मामले दर्ज कर लिए गया था। कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था। कुमार विश्वास ने यह दावा किया था कि केजरीवाल ने उनसे बातचीत में यह कहा था कि एक दिन या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। यह बयान पंजाब चुनाव में भी मुद्दा बना था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस मामले में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद में कुमार विश्वास के घर पहुंची थी। पुलिस की तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की थी। उन्होंने लिखा था कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वार पर ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूँ, तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों को दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी को याद रखे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।